मोहाली पुलिस 15 अगस्त को लेकर डीजीपी पंजाब के दिशा निर्देशों और निगरानी के तहत अराजक तत्वों के खिलाफ अभियान चला रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। एसएसपी डॉक्टर संदीप गर्ग ने बताया कि बीती 28 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि नरेंद्र सिंह उर्फ निंदी के पास अवैध पिस्टल है और वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर मोहाली फेज 1 पुलिस कार्रवाई कर नरेंद्र सिंह उर्फ नंदी को पिस्टल समेत गिरफ्तार किया है। पूछताछ में निंदी ने बताया कि उसने पिस्टल यूपी के मुसेर से 10,000 रुपये में खरीदा था। इसके अलावा उसने कुलवंत सिंह से एक और पिस्टल लिया था, जिसके बाद पुलिस ने कुलवंत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। निशानदेही पर पुलिस ने 6 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए हैं। मोहाली पुलिस नू एक बड़ी सफलता मिली जिदे विच असी माड़े अंसरां दी जिहड़ी तलाशी सी ओह कर रहे सी, सानू इनफॉर्मेशन भी सीगी ते उस दौरान एक नरिंदर सिंह निंदी नाम दे बंदे नू फड़िया गया सी। उस तो एक वैपन बरामद होया सीगा। जदों उहनू पुछगिछ कीती गई तां पुछगिछ दौरान उह तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दे पा रहा सीगा कित्थों लै के आंदा। फिर असीं होर डिटेल जो इनवैसटिगेशन कीती इहदी तां अग्गे दी अग्गे सी बैकवर्ड लिंकेज इहदी जोड़ी तां एक कुलवंत सिंह नाम दे बंदे तों, कुलवंत सिंह और फुटू वो तो वैपन ही लैके आया सीगा। जो कुलवंत सिंह पुछगिछ की तो उन्हें अगे दस्या कि अमरिंदर सिंह फौजी तो लैके आया। फिर असी उन्होंने भी गिरफ़्तार किया, इन्होंने दोनों भी गिरफ़्तार कि